अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चंगेजी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है और खाने में ये बहुत ही लजीज होता है। तो चलिए देखते हैं हमें चिकन चंगेजी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने ये चिकन ले लिया है, मैंने हाफ के जी चिकन लिया है। चिकन को क्लीन करके अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1/3 कप मैंने दही लिया है, दही को अच्छी तरह से फेंट कर ऐड करना है। अब इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से चिकन को मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेट कर लेंगे आधे घंटे के लिए। इसको मैरिनेट करने के बाद हम इसको ऑयल में फ्राई करने वाले हैं। तो जब तक चिकन हमारी मैरिनेट हो रही है, हम हमारे अनियन को फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, तेल को गरम कर लेंगे और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने मोटा मोटा सा रफली चॉप कर लिया है। इसे हम गोल्डन फ्राई होने तक पका लेंगे। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। तो ये प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, इसमें मैंने 10 काजू डाले थे, काजू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे और इसको पीस लेना है जार में डालकर। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो जार में डाल देंगे और थोड़े पानी के साथ इसको पीस लेंगे, फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए काजू और प्याज का पेस्ट बनकर रेडी है। और सेम ऑयल जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, उसी में हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। आधे घंटे तक मैंने इसको मैरिनेट कर लिया था, अब मैं इसको फुल फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी ताकि इस पर गोल्डन कलर आ जाए अच्छे से। इसे हमें पूरी तरह से कुक नहीं करना है, सिर्फ फुल फ्लेम पर कलर आने तक फ्राई कर लेना है। देखिए एक साइड से इसका कलर आ चुका है, गोल्डन हो चुकी है। अब दूसरी साइड पर पलटी कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारी सारी फ्राई हो चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब सेम ऑयल में 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम ग्रेवी बना रहे हैं चिकन चंगेजी की, तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं। अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब 5 टमाटरों की प्यूरी ऐड कर देंगे इसमें। 5 मैंने छोटे साइज़ के टमाटर लिए थे। अब इनको हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। देखिए भून चुका है, अब इसमें प्याज और काजू का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी भून लेंगे साथ में। मसालों में 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी मिर्ची, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच तेज़ वाली रेड चिली पाउडर, सॉल्ट अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और 1/2 चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे। और इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं, इनको पकने देंगे। कवर में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मसाले उड़ रहे हैं। तो लो फ्लेम पर देखिए मैंने मसालों को भून लिया है अच्छी तरह से, ये भून चुका है। अब फ्लेम को हमें बिल्कुल लो कर देना है। 1/3 कप दही और 1/3 कप मैंने इसमें अमूल की फ्रेश क्रीम मिक्स कर दी थी, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। आप चाहे तो गैस को बंद भी कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। और 1/2 कप इसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध डालने से चिकन चंगेजी की ग्रेवी बहुत ही स्मूथ और बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे जल्दी जल्दी से ताकि दूध क्रीम फटे ना। तो देखिए ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं, पक चुके हैं। अब जो हमने चिकन को फ्राई करके रखा था वो सारी चिकन इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब 1 ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको मिक्स करते जाएंगे और लीड से कवर करके हम इसको 15 मिनट के लिए पकाएंगे।
तो देखिए 15 मिनट मैंने चिकन को पका लिया था और ग्रेवी माशाल्लाह हमारी बहुत ही लजीज सी बनकर तैयार हो चुकी है। ऊपर से मैंने कसूरी मेथी स्प्रिंकल किया है। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। और ये जो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चंगेज़ी की रेसिपी है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो इसको ट्राई ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।